फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। सारी एक्सरसाइज इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ फार्मूलाज आना बहुत ज़रूरी है। इनमें पहला फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस वन, दरमियान में प्लस आता है, और ओमेगा स्क्वायर हो तो दरमियान में माइनस आता है। और इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, यानी कि इसी फार्मूले से सारी वैल्यूज़ ड्राइव होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर जाने से पहले तो चलें जी, पहला क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ माइनस वन। तो क्यूब का मतलब पावर 3 होता है, तो लेट इसको कर लेते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। इधर लेके आते हैं तो ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। वन का क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। वन का स्क्वेयर वन नहीं होता, इक्वल टू जीरो। दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस वन, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसके फैक्टर तो नहीं बन सकते सी इज इक्वल टू वन। तो बी स्क्वेयर यानी कि माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस बी का स्क्वेयर यानी कि वन का स्क्वेयर वन माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। ठीक है, वन प्लस माइनस वन माइनस फोर डिवाइड बाई टू। अब यहाँ क्या होगा, वन प्लस माइनस माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक दफा इसको प्लस में लिखता हूँ, एक दफा माइनस में। अब हमने जो फार्मूले पढ़े हैं उसमें वन के साथ माइनस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब वन के साथ माइनस नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अंदर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगा तो वन माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से भी इसी तरह माइनस कॉमन लूँगा तो बाकी बचेगा माइनस वन प्लस माइनस थ्री बाई टू। अब आपको याद होगा मैंने कहा था माइनस वाला जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और प्लस जिसके अंदर प्लस हो वो ओमेगा के इक्वल होता है। तो तीन रूट्स आ गए हैं, एक ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और एक माइनस वन। तो यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आ जी फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसको भी लेट करते हैं जी, एक्स क्यूब इक्वल टू 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, इस पर भी वही a माइनस बी का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यही फार्मूला होता है। अब इसमें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, यानी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 4 माइनस 16 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस माइनस इसको मैं लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 लाना बहुत ज़रूरी है ओमेगा की वैल्यू के लिए। 2 प्लस माइनस इसमें देखें क्या बाहर आएगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ गया, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नीचे भी 2। अब देखें यहाँ पे 1 होना चाहिए और माइनस का 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ माइनस 2 बाहर कॉमन लेता हूँ, बाकी यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखता हूँ, एक दफ़ा माइनस में, माइनस 2 माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू। याद रहेगा 2 साथ में रहेगा, और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब ये अंदर वाली वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, कटिंग करेंगे तो वैल्यूज ही नहीं बनेगी ना। तो माइनस टू इसी तरह ये प्लस वाला ओमेगा के इक्वल होता है और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर बनेगा। 3 इसके आएंगे 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में 27 है, इसको भी लेट करते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 27। 27 होता है 3 का क्यूब, क्या होता है माइनस इधर आके प्लस होगा, और ये लिखेंगे 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस 3 एक्स का स्क्वेयर माइनस ए बी अ
अच्छा यहाँ पे हमारे पास गलती इसलिए हुई थी ना, ये प्लस माइनस की, यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पे फिर प्लस प्लस हो जाएगा, और बाकी कोई नहीं है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस प्लस के आंसर आएंगे, ठीक है, यहाँ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है माइनस को, तो टू ही कॉमन लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे 3x प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे तो x की वैल्यू माइनस 3 डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगी, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, नौ चौका 36 होते हैं, कितने होते हैं 36, 2a यानी 2 आंसर 2, तो ये आ गया 9 प्लस माइनस, यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास 27 माइनस का डिवाइड बाई 2, 9 प्लस माइनस, इसको मैं लिखूँगा 9 मल्टीप्लाई माइनस 3, 9 प्लस माइनस यहाँ आएगा 3, ठीक है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यही कुछ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पे ये 3 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर तो नहीं है ना, ठीक है, थोड़ी बहुत अब ऊपर से माइनस 3 कॉमन लूँगा, ये तो आपको पता है माइनस क्यों ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पे माइनस 1 बन जाए, ठीक है, माइनस 3 प्लस में ओमेगा के इक्वल आएगा और माइनस में ओमेगा स्क्वायर के, तो ये 3 इसके रूट्स आ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 64 वाला, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब ये इक्वल होता है, ठीक है, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 जब फार्मूला लगेगा, तो दूसरा होता है जी एक्स के माइनस प्लस 4x प्लस 16, ये बनेगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके ऊपर। b का स्क्वायर यहाँ पे तो पहले माइनस b आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4s माइनस 4ac करूँगा तो 16 चूँकि 64 होता है डिवाइडेड बाय 2a माइनस 4 प्लस माइनस, तो ये निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 48 माइनस का डिवाइड बाई 2, अब 48 पे 3 का कौन सा टेबल जाता है 16 का जाता है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 16 का जो अंडर रूट होता है 4 बाहर आ गया, अब माइनस 4 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो एक आ जाएगा 4 ओमेगा और माइनस में लिखेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वेयर, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वेयर। ये थोड़े से पहले 3-4 क्वेश्चन लेंथी थे, अब अगले क्वेश्चन सिर्फ 2-3 स्टेप्स की मार हैं, ठीक है, अब देखें जी दूसरे का पहला एवेल्यूएट करना है हमने इसको, सबसे पहले माइनस कॉमन लिया, बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की पावर 7, 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ना माइनस 1, इसका फार्मूला होता है माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 7 विच इज़ इक्वल टू 128। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, नेक्स्ट में भी माइनस 3 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर होल की पावर 5 है, 1 माइनस 3 यहाँ पावर इसकी, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 कितनी होती है 1024, आई थिंक सो 1024 होती है, लेकिन मैं एक दफ़ा कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कर लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए, 4 मल्टीप्लाई 4 हाँ 1024 ही होती है, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, 9 अब प्लस 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहले 3 तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना, यहाँ इसकी वैल्यू माइनस 1, 9 माइनस 4 हो जाएगा और 5 की पावर 3 जो इक्वल होती है 125 के, ठीक है, अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम करके भी देख सकते हैं, स्पीड ज़्यादा करने का मकसद ये होता है यार कि आप लोगों के टाइम वेस्ट ना हो, और क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी आप लोगों को चीज़ें क्लियर करवा दूँ तो बेहतर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमने प्लस के 2 फैक्ट जोड़े देखने हैं, ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, बाकी बचेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह, अब इन दोनों में से पहले और आखिरी में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, बाकी यहाँ 1 बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस 3 ओमेगा लास्ट में लिख दिया, ये इसलिए लिखा है क्योंकि फार्मूले सिर्फ प्लस में ही बनते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ के इक्वल था माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये फार्मूले आपने लाजमी याद करने हैं, ये इक्वल था ओमेगा के, देखो माइनस 2 ओमेगा कितने होते हैं माइनस 4 ओमेगा,
और ये किसके इक्वल होता है, माइनस छः ओमेगा के। दोनों को मल्टीप्लाई करने से चुका 24 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो 24 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, नीचे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। याद रखिएगा ये पावर के अंदर हो रहा है सारा काम, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये इक्वल होता है जी 2 ओमेगा के और ये इक्वल होता है 2 ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा 6, ओमेगा 6 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा 3 की पावर 2, 6 दुनी 12, 12 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ओमेगा की 12 बनेगी ना, 12 को मैं लिखता हूँ ओमेगा 3 की पावर 4, क्योंकि ओमेगा 3 के अलावा और हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 का पावर 4। तो 2 प्लस 2 कितने होते हैं, ये 1 हो गया, 1 2 प्लस 2 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट, ये इक्वल होता है जी ओमेगा के और ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा 9 को मैं लिखूँगा 3 की पावर, ओमेगा 3 की पावर 3, 9 दूनी 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर 6, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, 1 1, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको 3 में ब्रेक करेंगे। अब 37 पे 3 का टेबल नहीं जाता, 36 पे चला जाता है, तो इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, ओमेगा डॉट ओमेगा 36, और इसको भी उसी तरह करूँगा, ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 36 माइनस 5। ठीक हो गया, अब इन दोनों में से देखते हैं जी जो भी चीज़ें हैं ना, ओमेगा उसी तरह इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा 3 की पावर 12, ओमेगा स्क्वायर उसी तरह इसको मैं लिखता हूँ जी ओमेगा 3 की पावर 12 माइनस 5, ओमेगा डॉट 1 की पावर 12, ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 12। अब 1 की कोई भी पावर लो, 1 1 नहीं रहता है, तो यहाँ बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस 1, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं जी। अब जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस में हो तो उसको नीचे ले आते हैं ताकि वो पावर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब ना तो 13 पे 3 का टेबल जाता है ना 17 पे, तो उसी तरह ब्रेक करते हैं इसको, ओमेगा डॉट ओमेगा 12, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15, तो ये आ जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा 3 की पावर 4, ओमेगा 3 की पावर 5, 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 की कोई भी पावर लो, 1 तो 1 ही रहेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसमें आप एलसीएम आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस पर इसका एक ओमेगा कट गया, एक ओमेगा बचेगा, उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ओमेगा ओमेगा सेम है तो ऊपर जो कुछ है उसी तरह आ जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये और ये कट गया, आंसर आ गया माइनस 1। काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, जस्ट आप लोग ने थोड़ा सा इनको समझ के करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई, सॉरी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। इसमें ये करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उसी तरह रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स वाई को मान लिया, बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला किसका बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगला पार्ट थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन इंशाल्लाह ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है जी, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस मेगा वाई प्लस मेगा स्क्वायर जी, एक्स प्लस मेगा स्क्वायर वाई प्लस मेगा जी, यहाँ पे इसको उसी तरह लिखते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक्स को इन सब से मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी ओमेगा, अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई ओमेगा प्लस
वाई स्केयर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स जी ओमेगा स्क्वेयर। और चलिए मैं इसको आगे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि मसला मसाइल ना हो। एक्स जी ओमेगा स्क्वेयर उसके बाद प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की फोर वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर। ये हो गया। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वेयर। अब जी एक्स वाई वाले एक तरफ करता हूँ मैं, एक्स वाई इन दोनों और इसमें से एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वेयर, ये मैं एरो से कर देता हूँ प्लस ओमेगा। ठीक है, ये एक्स जी है और यहाँ पे ये एक्स जी है, इन दोनों में से एक्स जी कॉमन लिया, बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। उसके बाद वाई जी एंड ये वाला वाई जी, इनमें से वाई जी कॉमन लिया, बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितनी भी बची हैं ना उनको आगे लिख देते हैं। क्या 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 बचा है, प्लस वाई स्क्वेयर ओमेगा क्यूब की जगह वन, और बचा है प्लस ओमेगा क्यूब की जगह वन जी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स जी हो जाएगा और माइनस वाई जी हो जाएगा। उसके बाद ये भी वाई जी माइनस में हो गया, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। वैसे अगर आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला आता हो तो ये पूरा फार्मूला बनता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपको नहीं आता फार्मूला तो दूसरा स्टेप यह है कि इस एक्स को इन सब से मल्टीप्लाई करो, फिर वाई को सब से मल्टीप्लाई करो, फिर जी को सब से मल्टीप्लाई करो, तो कटिंग हो जाएगी, जस्ट आपके पास यही चीज़ बच जाएगी जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसका लास्ट पार्ट, इसका मैं लूँगा ये वाला पार्ट, यानी कि वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर वन प्लस ओमेगा की फोर वन प्लस ओमेगा एट। इसको सॉल्व करते हुए इसकी वैल्यू मुझे पता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर, इसकी वैल्यू मुझे पता है माइनस ओमेगा। अब इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, वन प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, इसको लिखता हूँ वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर डॉट ओमेगा, छः बचा है ना तो छः को लिखता हूँ तीन की पावर टू, तीन की पावर दो। ठीक हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ये किस चीज़ के इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर के, ये तो वन होता है, इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये इक्वल होता है ओमेगा और वन की पावर टू ओमेगा क्यूब। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा, वन इंटू वन विच इज़ इक्वल टू वन, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 भी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आप लोगों को हर किस्म की एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।